अस्सलामुअलैकुम, मैं तुषार देसाई आज कक्षा 9 से हिंदी में पाठ दूसरा दुख का अधिकार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दुख का अधिकार, लेखक है यशपाल, जिनका जन्म 1903 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1976 में। उनका जन्म पंजाब में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने संघर्ष देखा था, इसलिए गरीब वर्ग की जो वेदना है उन्हें वो अच्छे से महसूस कर पाते थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। यशपाल प्रेमचंद युग के कथाकार थे और कहानी उनकी आम वर्ग को लेकर ज़्यादा होती थी। उनकी कहानियों के जो पात्र थे वो हम महसूस कर पाते थे कि वो हमारे आसपास ही कहीं जिंदा है। पाठ दुख के अधिकार में हम देखेंगे कि उन्होंने एक गरीब माँ की वेदना यहाँ प्रस्तुत की गई है। मैं आपको पहले पाठ को संक्षिप्त भावार्थ पढ़ूँगा। मेरे भावार्थ पढ़ने के बाद मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग किताब से एक बार पूर्ण रूप से पाठ का स्वाध्ययन करें, ताकि दूसरे भाग में मैं आपको पाठ को विस्तार से समझा पाऊंगा। पाठ के भावार्थ को 3 हिस्सों में बांटा है मैंने। पहला हिस्सा है कि पोशाक द्वारा मनुष्य के स्तर का निर्धारण होता है, कि उसका दर्जा क्या है, अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। और हम तो अब पोशाक से हम धर्मों में भी बांटने लगे हैं। दूसरा मुद्दा है लोगों का दुर्व्यवहार। अगर हम पोशाक देखकर व्यक्ति का दर्जा जान लेते हैं, उसके बाद हम उस व्यक्ति के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर निर्भर है। तीसरा महत्वपूर्ण इस पाठ में दुख का अधिकार, जो मुख्य पात्र है, जो बुढ़िया माँ की जो बात कही गई है, उस बुढ़िया माँ की समस्या बताई गई है। तो मैं पहले पढ़ूंगा, आपको ध्यान से इसे सुनना है। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते। हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। पहला मुद्दा है कि पोशाक द्वारा स्तर निर्धारण, स्तर मतलब दर्जा। हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर हमारा स्तर या दर्जा निर्धारित किया जाता है। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है। यही पोशाक उसे अधिकार व दर्जा दिलाती है। कीमती पोशाक अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम अपने वर्ग भेद से झुककर गरीबों की परिस्थिति को भी आंकते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, पर उन निचली श्रेणियों की अनुभूति मन को छूती है, परंतु पोशाक हमें उनका या उनकी मदद करने में बंधन या अड़चन बनकर खड़ी हो जाती है। खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोक देती है या रोके रखती है। दूसरा मुद्दा है कि लोगों का व्यवहार, पोशाक देखकर लोगों का क्या व्यवहार रहता है। तो खरबूजे बेचने वाली घुटनों में मुंह छिपाकर डलिया में कुछ खरबूजे रखकर रो रही थी। उनकी पोशाक को देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाजार में खड़े लोग धिक्कारते हुए कहते हैं कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। एक ने लापरवाही सह कहा कि कमीनों का धर्म ईमान कुछ नहीं, बस रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। परचून की दुकान चलाने वाला एक दुकानदार कहता है
इसे अपने धर्म ईमान की चिंता नहीं है तो न सही, परंतु इसे सूतक के 13 दिनों में खरबूजे बेचकर दूसरों का धर्म ईमान नहीं बिगाड़ना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ में तीसरा जो मुद्दा उपस्थित करते हैं लेखक के, बुढ़िया माँ की क्या समस्या है। लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछकर पता लगाया कि उसका 23 साल का जवान लड़का भगवाना सांप के काटने से मर गया। वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। परसों सवेरे एक सांप ने उसे डस लिया। माँ ने ओझा को बुलाया, झाड़ फूकना हुआ, नागदेव की पूजा की, दान दक्षिणा दी। घर में जो अनाज और आटा था वह दान दक्षिणा में चला गया। उसका पुत्र भगवाना फिर भी न बच सका। सुबह होते ही बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। बहू बुखार से तप रही थी, कोई उधार देने वाला नहीं था, इसलिए वह रोते रोते खरबूजे लेकर बेचने चल पड़ी। वही हमारे पड़ोस की लेखक एक और एग्जाम्पल अन्य माँ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहीं हमारे पड़ोस की एक संभ्रांत महिला जिसका पुत्र मृत्यु हुआ है, उसकी पुत्र की मृत्यु के बाद वो ढाई मास तक पलंग से उठ न सकती थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र योग से मूर्छा आ जाती और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस वियोगी माँ के लिए द्रवित हो उठते थे। लेखक दोनों पुत्र वियोगिनी माताओं की तुलना करता है। उसके मन में विचार आया कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा और अधिकार दोनों चाहिए। मैंने जो पढ़ा है शायद आपको ठीक से नहीं समझा पाया, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किताब में से पूरा पाठ पढ़ेंगे। ये पहला भाग है। कल मैं दुख का अधिकार पाठ का दूसरा भाग सेंड करूँगा, जिसमें आपको विस्तार से पाठ समझाऊंगा। और उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक बार पाठ का स्वाध्ययन करें। नमस्ते।